अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूँ कि ताज़ा तरीन गंदम का क्या रेट खड़ा हुआ है। मुंजी, तिल्ली, सरसों, तमाम इजनास का ताज़ा तरीन रेट। सबसे पहले बात करते हैं मुंजी हाईब्रिड का। मुंजी हाईब्रिड वाले किसान अभी दिखकर परेशान है क्योंकि इतना ज़्यादा रेट नहीं बढ़ रहा। आज मंडियों में मुंजी हाईब्रिड की मंदी चल रही है। आज का जो ताज़ा तरीन रेट है 1700 रुपये से लेकर 1900 रुपये तक, हल्की क्वालिटी नॉर्मल क्वालिटी 1900 रुपये से लेकर 2100 रुपये फी मन, और जो अच्छी क्वालिटी है 2100 रुपये से लेकर 2400 रुपये फी मन। 1509 या 1692 का जो ताज़ा तरीन रेट खड़ा हुआ है नई मुंजी का, हल्की क्वालिटी 2600 रुपये से लेकर 2900 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी 3050 रुपये और अच्छी क्वालिटी 3050 रुपये से लेकर 3300 रुपये। इस वक्त जो ताज़ा तरीन 1509 या 1692 पुरानी मुंजी का रेट खड़ा हुआ है, जो अच्छी क्वालिटी की मुंजी है पुरानी 3700 रुपये से लेकर 4200 रुपये के दरमियान सेल हो रही है। और जो इस वक्त नाजरीन ताज़ा तरीन तिल्ली के हालात हैं, तिल्ली वाले जो किसान हैं वो थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि तिल्ली की इतनी ज़्यादा पैदावार नहीं आ रही। एक तो तिल्ली का रेट जो है वो बहुत ही कम खड़ा हुआ है, कल से थोड़ा सा रेट ऊपर गया है, लेकिन पहले तिल्ली का रेट बहुत ही नीचे जा रहा है दिन ब दिन। तिल्ली वाले इस तरह से परेशान है कि हमारे इलाके में एक किसान ने थ्रेशर वगैरह लगाई है, उसने 4 कनाले थ्रेशर वगैरह से निकाल ली और उसकी जो पैदावार 4 कनाल में से आई वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 किलो। 4 एकड़ उसने काश किए हुए थे बगात के अंदर, सिर्फ 3 किलो उसकी पैदावार आई। उस वो जो ट्रैक्टर के डीजल के पैसे थे उसके वो भी पूरे नहीं हुए, तो बाकी जो 3.5 एकड़ हैं वो अभी के अभी रुल रहे हैं, रकबे के अंदर पड़े हुए हैं, कोई भी थ्रेशर वगैरह नहीं वाला नहीं निकाल रहा क्योंकि उसकी पैदावार नहीं आ रही। अच्छा, इस बात को छोड़ते हैं, ताज़ा तरीन तिल्ली का जो रेट खड़ा हुआ है, हल्की क्वालिटी की जो तिल्ली है वो 7000 रुपये से लेकर 8000 रुपये के दरमियान, नॉर्मल क्वालिटी 9000 रुपये से लेकर 11000 रुपये के दरमियान, अच्छी क्वालिटी 12000 रुपये से लेकर 14000 रुपये तक सेल हो रही है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन मकई का रेट है, मकई वाले किसान बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश हैं। मकई की कीमतों में कल भी 100 रुपये इजाफा हुआ है। मकई का रेट जो है दिन ब दिन ऊपर की तरफ जा रहा है। मकई का जो आज का ताज़ा तरीन रेट खड़ा हुआ है, नई जो मकई है ताज़ा तरीन मंडियों में जा रही है, हल्की क्वालिटी 2200 रुपये से लेकर 2400 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी 2500 रुपये से लेकर 2660-70 रुपये तिकर, और अच्छी क्वालिटी 2700 रुपये से लेकर 2900 रुपये तक सेल हो रही है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन लाल ज्वार का रेट खड़ा हुआ है 4000 रुपये से लेकर 4200 रुपये तक सेल हो रही है, और लाल ज्वार जो हल्की क्वालिटी की है 3000 रुपये से लेकर 3800 रुपये तक सेल हो रही है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन बाजरे का रेट खड़ा हुआ है, बाजरे वाले किसान बहुत ज़्यादा खुश हैं। बाजरे का जो रेट ताज़ा तरीन खड़ा हुआ है 8000 रुपये 102 किलोग्राम, और जो फी मन का रेट है 3200 रुपये से लेकर 300 रुपये तक। इस वक्त जो ताज़ा तरीन मूंग का रेट खड़ा हुआ है, आज का फैसलाबाद में अच्छी क्वालिटी की जो मूंग है 8600 रुपये फी मन, नॉर्मल क्वालिटी की जो है 8000 रुपये, और हल्की क्वालिटी की जो है 7500 रुपये। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन गंदम का रेट खड़ा हुआ है, गंदम वाले किसान जो हैं अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान है। आज भी मंडियों में गंदम की कीमतों में मंदी चल रही है, इतना ज़्यादा रेट नहीं बढ़ रहा। हल्की क्वालिटी की जो गंदम है 2400 रुपये से लेकर 2550 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी 2550 रुपये से लेकर 2770-80 रुपये तक, और अच्छी और साफ सुथरी क्वालिटी जो है इस वक्त 2800 रुपये से लेकर 2850 रुपये तक। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन अक्सर भाई कहते हैं कि हमें शहरों का भी रेट बताया करो, कमेंट सुन के आते हैं। और कराची में इस वक्त जो ताज़ा तरीन रेट खड़ा हुआ है वो 102 किलोग्राम 7000 रुपये, और साथ में हैदराबाद में 6700 रुपये 102 किलोग्राम। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन लाहौर में गंदम का रेट खड़ा हुआ है, फ्लोर मिल वाले जो ले रहे हैं वो 2675 रुपये, और जो शहरों में सेल हो रहा है वो 2950 रुपये।
और जो इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गंदम का रेट खड़ा हुआ है, काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। वहाँ पर 2930 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक भी 2900 सेल हो रही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो अच्छी जो गंदम है वो 3000 रुपये तक भी लोग ले रहे हैं। इस्लामाबाद पिंडी में मेरे दोस्त रहते हैं, वो मुझे 15-20 दिन पहले उसने बताया था कि जो गंदम का आटा निकलता है चक्की वगैरह से, उसका जो रेट लगाया गया है वो 4000 रुपये तक भी फी मान सेल हुआ है। नाज़रीन, गंदम का रेट बढ़ेगा ज़रूर 12वें-13वें महीने में, परेशान ना हो। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन ग्वारी ग्वारे का रेट खड़ा हुआ है 17000 रुपये 102 किलोग्राम। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन शक्कर, जिसे हम चीनी कहते हैं, चीनी का रेट वही 7000 रुपये से लेकर 7200 रुपये, 300 रुपये तक 50 किलोग्राम। गुड़ जो नंबर वन हाई क्वालिटी, फी मान 6500 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक। और जो कपास वाले किसान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कपास का रेट जो है वो थोड़ा सा ज़बरदस्त खड़ा हुआ है, लेकिन वो परेशान इस वजह से हैं, तकरीबन जिनकी कपास लेट काश्त आती उनको बीमारी की वजह से पैदावार नहीं आ रही, 2 मान 3 मान 5 मान ज़्यादा से ज़्यादा कपास निकल रही है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन रेट ज़बरदस्त खड़ा हुआ है। हल्की क्वालिटी की जो कपास, जिसे हम फुटी कहते हैं, 7000 रुपये से लेकर 7500 रुपये तक। नॉर्मल क्वालिटी 8000 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक। अच्छी क्वालिटी 8500 रुपये से लेकर 8800 रुपये तक। कपास वाले जो हैं किसान परेशान हैं, लेकिन रेट ज़बरदस्त खड़ा हुआ है। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन खादों का रेट खड़ा हुआ है, क्योंकि भाई, एक भाई मेरे हैं, वो मुझे कमेंट्स में कहते हैं कि भाई आप खादों का रेट लाजमन बताया करें, क्योंकि खादों की जो कीमत है वो जो है आप लाजमन हर वीडियो में बताया करें। भाई जान, जो ताज़ा तरीन इस वक्त सोना DAP का रेट खड़ा हुआ है 11800 रुपये 50 किलोग्राम। सरसब DAP का जो ताज़ा तरीन रेट खड़ा हुआ है 11600 रुपये। कैन ग्वारा खाद सरसब कंपनी नेट्रेड 3800 रुपये से लेकर 4200 रुपये तक। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन नाइट्रोफास खाद का खड़ा हुआ है 50 किलोग्राम 7000 रुपये से लेकर 7200 रुपये तक। और जो ज़बरदस्त यूरिया का ताज़ा तरीन रेट खड़ा हुआ है 4500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक। और सोना यूरिया का जो ताज़ा तरीन रेट है 4000 रुपये से लेकर 4400-500 रुपये तक। इस वक्त जो बाकी जितनी भी यूरिया है उनका रेट जो है 4500 रुपये से नीचे खड़ा हुआ है। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन रेट खड़ा हुआ है फसलों का, नाज़रीन खादों का, खादें इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही। अब अक्सर भाई दोस्त पूछते हैं कि गंदम के लिए खाद अभी इससे ख़रीद लें या बाद में ख़रीदें। नाज़रीन, गंदम के लिए खाद आप, मेरा जो मशवरा है, आप अभी से ही ख़रीद लें, क्योंकि इस हुकूमत का नहीं पता कि खादों का रेट ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है।